परी ये क्या है बताओ? मिट्टी। किस चीज के लिए बताओ? गेहूं बोने के लिए। गेहूं नहीं, जवारे। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। अमृत यादव ब्लॉग में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइज अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो गाइज सबसे पहले आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का पहला दिन है और आज के दिन सारे लोग नहा धो के मंदिर वगैरह जाते हैं, तो मैं भी आपको आज ऐसी जगह ले जाऊँगा जहाँ मैं बचपन से जाता हूँ, जहाँ पे माता जी के जारे रखे जाते हैं, माता जी की भक्त होती हैं, जगराता होता है और बहुत सारा भजन कीर्तन वहाँ पे होता है। तो आज मैं आपको ऐसी जगह लेके जाऊँगा। आई होप आपको ब्लॉग में बहुत मजा आएगा, तो बने रहिए ब्लॉग को। लेकिन सबसे पहले यार आप मेरे ब्लॉग को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। ये देखो मुन्नू देखो अभी तक सो रहा है, आज छुट्टी का दिन था तो सो ही रहा है। देखो अभी भी सो रहा है मुन्नू। अरे ब्रेकफास्ट कर लिया? नहीं, आज हमारा व्रत है। क्यों व्रत क्यों रखा? अरे क्यों, सब रखते हैं, हम भी रखते हैं। अच्छा हर बार रखते हो तो सब ही रख लिया। अच्छा आज फर्स्ट डे है ना? फर्स्ट, फिफ्थ और सिक्स्थ, तीन दिन। अच्छा 3 दिन रखते हो। और सुनो जब भी भूख लगे। हम स्कूल की लड़कियाँ भी रखते हैं। स्कूल की लड़कियाँ भी रखती हैं इतनी छोटी एज में? हाँ। एक काम करना, जब भूख लगे ना तो फल फ्रूट खा लेना, ठीक है? हाँ। है ना, वो तो खा सकते हैं उसमें। हाँ, है ना, तो खा लेना। चाय वगैरह भी पी सकते हैं, मीठा भी खा सकते हैं। है ना, तो खा लेना बेटा। पन्ना वगैरह खा सकते हैं। और देखो ये मुन्नू तो कभी भी सो रहा है, इतनी सुबह है ना। बताओ थक गया था कल रात में, लेट भी सोया था, सुबह सो रहा है। 8:30 बजे लेकिन सो रहा है अभी भी। चलो ठीक है सोने दो। चलो ठीक है, लेकिन तुम्हें भूख लगे तो कुछ ना कुछ खाते जाना। हाँ, फल फ्रूट या राजीव वाले की उनकी लड्डू खाते रहते हैं। चलो ठीक है बेटा ना। तो गाइस देख लो यार, परी ना व्रत रखती है, इतनी छोटी है फिर भी वो माता जी का व्रत रखती है। तो गैस अभी हम आ गए हैं इस घर में जहाँ पे है ना खप्पर रखे जाते हैं या जिसको हम जवारे ही बोलते हैं, तो नवरात्रि में शुरू हो जाते हैं ना। तो अभी हम लोग उस घर में आ चुके हैं, तभी मैं आपको नीचे ले चलूँगा और बताऊँगा कि यहाँ पे किस तरीके से जवारे रखे जाते हैं और क्या क्या तैयारियों में क्या क्या चीज़ें लगती है। तो सारी चीज़ें मैं आपको नीचे जा कर बताऊँगा, है ना। तो चलो चलते हैं नीचे। परी ये क्या है बताओ? किस चीज़ के लिए बताओ? गेहूँ नहीं, जवारे। जवारे ना नवरात्रि में जवारे रखे जाते हैं ना, तो जो मटके रखे ना देखो भाभी कह रही है ना, परी तुम सब आ जाएंगे। ये जो मिट्टी है ना परी जवारे के लिए यूज होती है। देखो जो मटके रखे ना, तो जो रखे मटका ये नहीं मेरे भाभी हैं जो खप्पर में ना। हाँ परी इनमें अभी देखो ना करे जाएंगे, ठीक है? कोड़ा है जो रखे ना, ये वाले ये कोड़ा। हाँ इनको ऐसे उसके ऊपर रखते जाते हैं। ये कोड़ा और ये खप्पर, कोड़ा ना और ये खप्पर। और इनको ऐसे गेहूं बोते जाते हैं, जब पूरी सामग्री रखी, घंटी, चुनरिया, माता जी, आम का पत्ता, तार, है ना, समझ गए ना परी। अभी जी जो जो जवारे है ना ये सब पता है यहाँ पे रखे जाएंगे, यहाँ पे आप देखो यहाँ पे। कहाँ पे? बजा घंटी ही नहीं।
तो गैस मैंने आपको दिखा दिया यार कि जो नवरात्रि में जवारे रखे जाते हैं तो उनमें कौन कौन सी चीज़ें लगती हैं, मतलब मिट्टी वगैरह या खप्पर वगैरह या मटके वगैरह। तो आई होप आपको देख के अच्छा लगा होगा, आपको शायद कुछ नॉलेज मिली होगी कि जो नवरात्रि में जवारे रखे जाते हैं तो उनमें कौन कौन सी चीज़ें की जाती हैं और कैसे उसमें किया जाता है। तो गैस यहाँ की मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ यार कि ये जो जगह है ना, यहाँ मैं बचपन से आता हूँ, जब मैं छोटा सा था ना तब से आता हूँ और यहाँ पे माता जी के दर्शन करते हैं, जवारे रखे जाते हैं, नवरात्रि में भजन कीर्तन होता है और यहाँ पे ना जगराता भी होता है। तो अभी तो क्या है, आज पहला दिन है तो पहले दिन में तो सब नॉर्मल होता है क्योंकि तैयारियाँ होती हैं, लेकिन कल से यहाँ पे भजन कीर्तन शुरू हो जाएंगे और जगराता भी होता है, भक्तें भी होती हैं, खूब यहाँ पे सारी चीज़ें पूजा पाठ वगैरह आरती वगैरह सारी चीज़ें होने लगती है। आप देखिए अभी शुरुआत हो रही है तो ढोल नगाड़े भी बजने लगे। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको दिखा भी दिया यार नीचे कि किस तरीके से यहाँ पे तैयारी की जाती है, अभी तैयारी नहीं हुई यार, अभी मैंने जो आपको अंदर का सीन दिखाया ना तो वहाँ भी माता जी बैठी नहीं है, विराजमान नहीं हुई है और खप्पर भी नहीं रखे गए हैं, तो अभी ये लोग तैयारी करेंगे। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको नीचे दिखा दिया कि किस तरीके से ये लोग तैयारी करते हैं, आपको पता चल गया होगा, मिट्टी लाते हैं, मटका लाते हैं, उनके अलग अलग नाम भी होते हैं जैसे मैंने बताया, और फिर यहाँ पे जवारे बोए जाते हैं और फिर धीरे धीरे करके जो 7-8 दिन होते हैं ना तो इसमें से जवारे जो गेहूँ की बाल होती है तो वो निकल आती है ऊपर, है ना। तो गाइस आई होप आपको देखकर अच्छा लगा होगा, आपको शायद समझ में आएगा कि किस तरीके से नवरात्रि में जवारे रखे जाते हैं। तो गाइस माता जी के दर्शन हम लोगों ने कर लिए हैं और सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तो चलो अब चलते हैं घर। परी खाना खा लिया? कितने बजे तोड़ोगी ब्रत? अभी आधा घंटा बाद, पूजा के बाद। पूजा के बाद? हाँ। 8 बजे तक खाना खा लेना बेटा, ठीक है? ओके। तो गाइस आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, आई होप आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर ब्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। परी देखो मस्ती कर रही है यहाँ पे, जो इनके लड़के हैं ना उनके साथ खेल रही है, देखो ये देखो ये देखो ये देखो।